हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से HTML में मार्क्यू टैग आपको वेबसाइट बनाने में काफी हेल्प कर सकता है और ये रियली यूजफुल है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहां से मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूं। मैं यहां पर विंडोज 11 यूज कर रहा हूं, तो नोटपैड का जो इंटरफेस है वो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो आपके पास जो भी हो, चाहे विंडोज 10 हो, विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, आप काम नोटपैड पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर HTML से स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ पे हेड पोर्शन आएगा। हेड के बाद फिर क्या आता है, टाइटल आता है। तो यहाँ टाइटल लिख देंगे और यहाँ यूज ऑफ मार्क्यू टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये डाल दिया हमने और यहां से टाइटल को क्लोज करेंगे, TITLE। ये टाइटल क्लोज हो जाएगा और टाइटल के बाद हेड को भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हेड भी क्लोज हो गया। अब यहां पर बॉडी टैग को ओपन करने की बात है, तो यहां से बॉडी टैग को कर लेते हैं ओपन, ठीक है। तो बॉडी टैग ओपन कर लिया हमने। अब नीचे आएंगे, यहां पर लगाएंगे मार्क्यू टैग। अगर हम सिर्फ मार्क्यू लगाते हैं तो क्या इसका इफेक्ट आएगा वो दिखाता हूं, ठीक है। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं लर्न विथ सूरज सर, ये लिख दिया मैंने, और ये लिख करके इस मार्क्यू को यहां से क्लोज कर दूंगा। तो ये तो एक रहा, एक हो गया मार्क्यू टैग, और ये तो जनरल हो गया, सिर्फ टैग यूज किया, इसमें एट्रीब्यूट नहीं यूज किया कोई, ठीक है। और यहां पर बॉडी टैग और HTML टैग को क्लोज करूंगा। ये बॉडी क्लोज हुआ और यहां पर HTML भी हो गया क्लोज, और इसको सेव कर देता हूं कंट्रोल एस प्रेस करके, और इसको डेस्कटॉप पे सेव करूंगा ताकि देखने में आसानी हो। और इसे मैं सेव कर देता हूं move.html के नाम से सेव कर देता हूं। आप STM भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया और यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसे सेव कर दिया। अब चलते हैं, देखते हैं move.html जो आया है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट आ रहा है, ये राइट से चलते हुए लेफ्ट की तरफ ये मूव कर रहा है, और इसकी स्पीड आप देख सकते हैं किस तरह की स्पीड है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे। तो क्या चेंजेस करेंगे आइए देखते हैं। यहां पर इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, छोड़ करके नीचे आते हैं, और यहां पर क्या करना है हमें, यहां पर फिर से मार्क्यू टैग लगाते हैं। तो लिखते हैं MARQUEE, इस बार एट्रीब्यूट देंगे। तो देखिए एक एट्रीब्यूट मैंने जो आपको पहले भी बता रखा है डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन अगर अप कर देते हैं या टॉप कर देते हैं, यहां लिख दिया टॉप, तो टॉप में नहीं चलेगा, ठीक है, अप में चलेगा, ये याद रखिएगा। टॉप नहीं कर सकते आप, यहां पे टॉप लिखेंगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मार्क्यू ही लिख दिया मैंने, और इसको अब क्लोज कर देंगे मार्क्यू को, तो अगर आप टॉप लिख देते हैं तो आप गलती करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल एस करके और इसको रन करवाता हूँ एक बार फिर से। तो यहाँ से चलेंगे और इसको डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए ये जो है ना, इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। अप लिखा, टॉप लिखा, तो टॉप में ऊपर जाना चाहिए, लेकिन देखिए ये इसी के साथ साथ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इफेक्ट नहीं आएगा, तो क्या लिखना होगा, यहाँ पे अप लिखना होगा, ठीक है। तो अप जरूर लिख लीजिएगा, यहाँ से लिखिए अप यूपी अप, और इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दीजिए। ये सेव कर दिया, सेव करने के बाद क्या करना है, इसको चला देंगे। ये चलाया तो देखिए ये अप यानी ऊपर की तरफ जाने लगा, देख सकते हैं, और बाकी तो ये तो चल ही रहा है। अब इसमें एक चेंजेस और करने वाला हूं मैं, वो क्या है आइए दिखाता हूं। यहां पर मैं फिर से लगाऊंगा मार्क्यू, ठीक है, चलिए लगाते हैं MARQUEE, इस बार और भी एट्रीब्यूट देंगे इसमें हम। जैसे मैं क्या करता हूं, मार्क्यू डायरेक्शन कर देता हूं, डायरेक्शन इज इक्वल टू डाउन कर देता हूं, डाउन का मतलब नीचे हो जाएगा और नीचे रियली ये मूव करेगा। और यहाँ पे विथ करते हैं, विथ 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 कितनी रहेगी इसकी, तो यहाँ 250 कर देते हैं इसकी विथ, 250 कर दिया। हाइट HEIGHT, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग कई बार बच्चे गलत कर जाते हैं, कहते हैं मेरा चल ही नहीं रहा है, तो यहाँ 200 कर देते हैं हाइट, ठीक है। और इसका बिहेवियर क्या करेंगे, बिहेवियर तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखता हूँ बिहेवियर, ठीक है, तो बिहेवियर कर देते हैं इसका, और बिहेवियर क्या रहेगा इसका, बिहेवियर रहेगा अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया अल्टरनेट। और इसका स्टाइल क्या करेंगे, तो यहाँ पे स्टाइल STYLE स्टाइल होंगे। अब यहाँ पर जो लिखेंगे वो किस तरीके से काम करेगा, HTML stands for हाइपर टेक्स्ट मार्क MARK अप लैंग्वेज, तो ये मैंने लिख दिया है देखिए। अब ये लिखने के बाद मार्क्यू को क्लोज भी करना होगा, मार्क्यू एक कंटेनर टैग है तो इसको क्लोज तो करना जरूरी ही है, तो ये कंट्रोल एस कर दिया और ये क्लोज कर दिया, ठीक है। अब क्लोज करके इसको चलाएंगे तो क्या इफेक्ट आएगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये HTML stands for हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो लिखा हुआ है,
वो कुछ दूर ऊपर जा रहा है, कुछ दूर नीचे जा रहा है, कुछ दूर ऊपर जा रहा है, कुछ दूर नीचे जा रहा है। देखिए ये ऊपर जा, पूरा ऊपर नहीं जा रहा है, एक हद तक ऊपर जा करके फिर नीचे आ जा रहा है, यानी ये ऊपर नीचे ऐसे करके मूव करता रहेगा। तो देखिए ये स्टाइल कैसे कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट करके। अब देखिए इसमें चेंजेस और करने वाला हूं, क्या चेंजेस करूंगा देखिए, यहां पर मैं करता हूं लाइक सपोज कीजिए H1 लगाता हूं, H1 ठीक है, H1 लगा दिया और H1 को यहां पर क्लोज भी कर दूंगा, H1 को यहां पे क्लोज भी कर दूंगा, तो ये थोड़ा सा अब साइज में बड़ा हो जाएगा। H1 ना लिख करके S3 लिखते हैं, S3 सही रहेगा ठीक है, क्योंकि H1 काफी बड़ी साइज हो जाएगी, तो S3 कर दिया हमने और इसको सेव कर दिया कंट्रोल S करके ठीक है। तो ये हो गया, अब इसको अगर हम ये करते हैं तो देखिए ये इस तरीके का दिखाई देगा, ये देखिए कैसा लग रहा है ये देखिए ठीक है। अगर इसकी आप देखिए यहां पर देखिएगा, यहां पर 250 किया ना, अगर मैं इसको घटा देता हूं 25 कर देता हूं तो बहुत ज्यादा अंतर पड़ जाएगा। मैं क्या करता हूं और बढ़ा देता हूं, 600 कर देता हूं, 600 और इसको कर देता हूं 400 ठीक है, 600 और 400 किया है, तब कितना कितना अमाउंट में ये स्क्रॉल करेगा ठीक है, इसको देखेंगे ठीक है। अच्छा यहां पे देखिएगा ये स्टाइल लिखना था, ये STYLE स्टाइल, इस वजह से ये बॉर्डर नहीं आ रहा था, तो यहां पे स्टाइल लिख दिया। अब इसको एक बार सेव भी कर देते हैं, सेव करके अब चलेंगे। अब देखिए अब यहां पर गए तो यहां पर ये इस तरीके से, अब देखिए ये थोड़े ज्यादा दूर तक जा रहा है, ये देखिए और नीचे गया, अब फिर नीचे से अब फिर ऊपर भी जा रहा है, देख लीजिए इस तरीके से ये काम करेगा ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है बातें। अब देखिए अब यहां पर हमने लिखा था स्टाइल, तो स्टाइल लिख करके यहां पर हमने दिया था बॉर्डर, तो बॉर्डर डॉट सॉलिड किया था, तो ये डॉट ना रख करके हमें ये कॉलन लगाना है, यहां पे भी एक गलती हो गई थी। अब इसको चलाते हैं, अब देखते हैं अब क्या इफेक्ट रह रहा है इसका। तो यहां पे देखिए इसको चलाया, अब देखिए चारों तरफ बॉर्डर बन गया कि नहीं बन गया, अब इसी बॉर्डर के अंदर ये मूव करेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, देखिए इसी बॉर्डर के अंदर मूव कर रहा है कि नहीं ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है, आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे काम कर रहा है ठीक है। अब इसमें कुछ और चेंजेस भी आप कर सकते हैं, जैसे अब यहां पर आते हैं, ये तो हमने कर ही दिया है, यहां पर आकर के H2 लगाते हैं, H2 ये लगा दिया H2, और H1 ना लगा करके H2 लगाएंगे, और H2 लगा करके क्या करेंगे, जैसे ही H2 लगाएंगे तो इसको क्लोज करके फिर वापस से मार्क्यू टैग को ओपन करेंगे, तो ये मार्क्यू टैग हो गया, ये मार्क्यू लगा दिया हमने, और मार्क्यू लगाने के बाद यहां पर बिहेवियर इसका देंगे, बिहेवियर ठीक है, ये लिखा बिहेवियर, ये हो गया ब्लैक किया था तो ये कर दिया अल्टरनेट, तो इसका बिहेवियर क्या हो गया, अल्टरनेट हो गया, अब अल्टरनेटली ये रन करेगा ठीक है। तो फिर यहां पे लिख देता हूं लर्न विद मी कर देता हूं इस बार ठीक है, और यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले मार्क्यू को क्लोज करेंगे क्योंकि मार्क्यू तो कंटेनर ही है, और यहां पर एट लास्ट किसको क्लोज करेंगे, मार्क्यू को क्लोज करने के बाद, अच्छा क्लोजिंग टैग ऐसे रहता है ये ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे क्लोज होता है ठीक है, और इसके बाद H1 है H2 है क्या है देखना पड़ेगा, H2 है तो H2 को क्लोज कर देंगे, तो ये H2 भी क्लोज हो गया ठीक है। क्लोजिंग के लिए ये वाला लगाते हैं इस तरीके से और कंट्रोल एस कर देते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है ठीक है। तो ये अभी तक तो ये रहा, अब देखिए अब यहां से ये चलेगा, अब देखिए ये कहां तक जाता है, ये पूरा जाता है कि आधे पर से जाके रुक जाता है, देखिए यहां से लास्ट तक गया लेकिन अंदर नहीं गया, ये देखिए ये अंदर चला जा रहा है, ये यहां से निकल रहा है और अंदर चला जा रहा है, ये भी अंदर चला जा रहा है लेकिन ये लास्ट तक जाएगा, जहां तक आपकी स्क्रीन है वहां तक जाकर के रुक जाएगा ठीक है। तो आई होप कि ये सारे एट्रीब्यूट आपको समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ MARQUEE और BG कलर, अब देखिए यहाँ मार्क्यू BG कलर लिखा है मैंने, और इससे भी पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लगा देता हूँ H1, इस बार H1 लगाया है ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी कलर आप देना चाहते हो, जैसे बैकग्राउंड पे कलर हम देना चाहते हैं लाइक ब्लू, तो ये ब्लू कर दिया और इसको बंद कर देंगे इस तरीके से, और बंद करके यहाँ लिख देंगे HTML इज अ मार्क अप लैंग्वेज, ये कर दिया हमने, और ये करके इसको बंद कर देंगे यहाँ से, ये बंद कर देंगे इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर क्या है मार्क्यू है पहले, तो पहले मार्क्यू को यहाँ MARQUEE, तो ये मार्क्यू को क्लोज कर देंगे ठीक है। अच्छा यहाँ पर H1 दिया है तो H1 लास्ट में क्लोज होगा ये इस तरीके से ठीक है। अब इसको चलाते हैं, अब ये लास्ट टाइम देख लेते हैं इसका क्या, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये काम करेगा, देख सकते हैं ये, अगर आप कलर चेंज करते हैं लाइक यहाँ पे मैंने ब्लू दिया तो यहाँ पे रेड कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ RED रेड ठीक है। तो अब ये रेड कर दिया है तो अभी देखिए कैसा आउटपुट आता है इसका, ये देखिए ये इस तरीके का आउटपुट आएगा, देख रहे हैं। तो आई होप कि सारी बातें समझ में आई होंगी।
लेकिन अभी इसमें स्क्रॉल अमाउंट एक और एट्रीब्यूट हमने दिया नहीं है, तो चलिए एक बार स्क्रॉल अमाउंट भी देख देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन जो है इसको या फिर यहाँ पे जो मार्क्यू लगाया है, मार्क्यू लगा करके यहाँ पे लिखेंगे स्क्रॉल अमाउंट। तो यहाँ पे लिखा स्क्रॉल AMOUNT अमाउंट इज इक्वल टू 50 कर देते हैं या 40 कर देते हैं, तो ये कर दिया 40 और यहाँ पर इसको कंट्रोल एस करके सेव किया। ठीक है, अच्छा ये स्क्रॉल और अमाउंट में गैप नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ये इस तरीके से रहेगा और अब इसको चलाते हैं एक बार यहाँ से। ये देखिए काफी फास्ट यहाँ से मूव कर रहा है, अब पहले बहुत धीरे था लेकिन अब देखिए ये काफी फास्ट मूव कर रहा है। देख रहे हैं, अगर 40 के बजाय मैं 60 कर दूं या 100 कर दूं तब क्या होगा। तो यहाँ देखिए ये यहाँ पे 150 करता हूँ, तो इतना तेज ये मूव करेगा कि शायद आपको दिखाई ही ना दे, बहुत तेजी से मूव करेगा। तो देखिए ये इतना तेजी से मूव कर रहा है, देख रहे हैं बहुत तेजी से मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही स्क्रॉल अमाउंट घटाएंगे तो ये धीरे धीरे मूव करने लगेगा। जैसे मान लीजिए स्क्रॉल अमाउंट 5 कर दिया मैंने, तो बहुत धीरे मूव करेगा इन कंपेरिजन टू पहले के जैसे जो मूव। देखिए अब ये मूव कर रहा है ना, तो इससे कितना धीरे मूव करेगा। ये देखिए स्क्रॉल अमाउंट घटा दिया, तो अब ये बहुत धीरे हो गया, बहुत नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो ये सारे मार्क्यू के एट्रीब्यूट थे। आई होप कि ये आपको काफी हेल्पफुल होंगे अगर आप वेबसाइट बनाते हैं या कोई भी काम ऐसा करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।